हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम सर सभी को। तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे ब्लॉग में। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा जाने वाला है। पहली चीज बता दूं आज के ब्लॉग में ये है कि आज मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, जॉब से लिए छुट्टी, तो मुझे साइंस टीचर की डेमो क्लासेस के लिए जाना है गुरु कृपा के अंदर अलवर में। 10 से स्टार्ट होगी क्लास, 2 घंटे की क्लास है, एक 9th में एक 10th में। देखते हैं क्या होता है, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो जॉब मिल जाएगी आज वापस से टीचर की। आज चलेंगे वहाँ पर नहा धो के, 9 बजे निकलेंगे घर से। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, लेट्स गेट स्टार्टेड। सैम सुबह सुबह यहाँ टीवी में लगा पड़ा है, इसको सिर्फ कार्टून देखने से मतलब है दुनिया जाए भाड़ में। सुबह इतनी जल्दी सुबह उठते सबसे पहले कार्टून देख रहे थे वो हैं। वो भी तैयार होकर बस स्टैंड आ गया हूँ और इस बस में जाऊँगा मैं। तो पहुँच के देखते हैं, अभी लेट हो चुका हूँ, 9:30 तो यही हो चुके हैं और 10 बजे क्लास स्टार्ट है और अभी बस चली भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा। तो 9:36 पे बस मिली है और देखते हैं फिर क्या होता है। तो गाइज अभी बस जस्ट उतरा हूँ, बस से डेमो क्लास लेके आया हूँ, देखते हैं अब क्या होता है, बाद में बात करके बताएंगे सर। लेट्स सी। ए सैम भाई, कैसे उल्टा पड़ा है, क्या बात होगी, क्या बात होगी? अच्छा तो मम्मी क्या बना रही खाने में है? नहीं खाने में तू कह रहा ना, खाना ऐसे बनाना, कैसे बनाना है खाना? मिर्च कम चाहिए तेरे को है, ज्यादा गिर देती मम्मी। यार मेरी भी यही लड़ाई है सेम यार। दीदी सैम का टेस्ट लेंगी आज, कितने से तक का टेस्ट है? टेस्ट किस चीज का ले रही है? अच्छा 1 से 50 आपको काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। और ये नाड़े के साथ क्या कर रहा है? अबे ये लूज हो गया तो बहुत कुछ लूज हो जाता है, करेक्टर वेक्टर देख ले। ओए ओए चल अब तो 150 तक काउंटिंग लिख। हे गाइस अभी शाम के 5:30 बजे हैं और मैंने बच्चों के लिए नोट्स तैयार किए हैं, एसिड बेस और साल्ट केमिस्ट्री में कल पढ़ाना है उनको, एक चैप्टर तैयार किया है तो अभी उसी को मैं तैयार कर रहा हूँ अच्छे से ताकि पढ़ा सकूँ बच्चों को। तो लगते हैं अभी। दीदी मेकिंग सम चपातीस। दीदी खाना क्या बनाया, सब्जी क्या है? अच्छा अभी सब्जी बनाओगे, आपने पहले रोटी बना दी, ठीक है। और हाँ सब्जी मिर्च कम रखना, सैम ने बोला है। हे गाइस शाम के बजे हैं 6:41 और मैं आया हूँ यहाँ पर इसको शूट करने। दिख रहा है पीछे सनसेट होता हुआ, बहुत ही अच्छा सनसेट हो रहा है, बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। सैम यहाँ पतंग उड़ाने में व्यस्त है और काफ़ी ऊँची कर ली है इसने। तो चल इसको देखकर वहां पे कुछ छोटे छोटे बच्चे भी पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आ जाओ, हो जाए, आ जाओ आ जाओ, कमान कमान कमान, उड़ा उड़ा उड़ा, ये उड़ी तेरी उड़ी, आ जा हमसे पेच लड़ा रहे, आ जा पेच लड़ा ले हमसे, आ जा हो जाए सैम, ऊपर मत कर नीचे लड़ा इससे। हाँ काट दे इसकी पूछ, काट दे काट दे काट दे काट दे इसकी पूछ को लंबी होने दे। ओ ये काटेगा काटेगा काटेगा, कमॉन मैं लड़ाता हूँ, ले तू पकड़। तो गाइस अभी शाम के बजे हैं 8:35 और पतंग तो हमसे कटी नहीं क्योंकि उनकी पतंग उड़ी नहीं है तो हमसे कटी नहीं। और अभी सैम भाई लग गया लेट के देखने में कार्टून, तो ये कार्टून छोड़ रहे हैं, कार्टून भी रुद्रा देखता है पूरे दिन, या फिर छोटू गोलू मोलू क्या नाम उसका यार, मोटू पतलू। तो गाइस अभी कल एक डिसाइडेड डे होने वाला है क्योंकि कल दोबारा से डेमो के लिए बुलाया, 10th क्लास में दूसरा चैप्टर पढ़ाना है केमिस्ट्री में, आज फिजिक्स में पढ़ा के आया था तो कल केमिस्ट्री में है पढ़ाना है, देखते हैं क्या रेस्पॉन्स रहता है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाए यही दुआ कर रहा हूँ क्योंकि अभी जियो में जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पे मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है, सेल्स की जॉब है, टारगेट बेस्ड जॉब है, टारगेट पूरा होता नहीं है, पैसे बहुत कम मिलते हैं तो फिर कोई सेंस नहीं रहता उसका, तो इसलिए अभी वापस से टीचिंग जॉब रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस आज के व्लॉग में यही एंड कर रहा हूँ, होप्स हो कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक के साथ साथ कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू लेटर गाइस, राम राम सा सभी को।